हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम डी हेल्प में। एम डी की तरफ से डिस्टेंस और रेगुलर स्टूडेंट के 18 नए रिजल्ट आज जारी किए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन से कोर्स के कौन से सेमेस्टर के आज रिजल्ट आए हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे एम डी से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो रिजल्ट आया है, बी वोकेशनल के जो स्टूडेंट है, फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। दूसरे और चौथे सेमेस्टर का सब्जेक्ट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है। इसके बाद बी कॉम वोकेशनल, बी कॉम ऑनर्स, बी कॉम जनरल के जो स्टूडेंट है, दूसरे चौथे सेमेस्टर के, आपके भी रिजल्ट आ चुके हैं, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद है बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट के, सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के और सेवन सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के भी रिजल्ट आ चुके हैं दूसरे चौथे सेमेस्टर के। बीए डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा है, दूसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट, आपका रिजल्ट आ चुका है। आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद बैचलर ऑफ आर्ट डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने ऑफलाइन कोर्स में एडमिशन ले रखा पहले और दूसरे सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, फ्रेश जो स्टूडेंट या फिर जिन्होंने रिपियर इम्प्रूवमेंट का फॉर्म फिलअप कर रखा था, जिन्होंने रिपियर इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दिया था, आपका भी रिजल्ट आ चुका है। ये सभी रिजल्ट आज जारी किए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बीए के जो स्टूडेंट हैं, एनुअल स्कीम के जो स्टूडेंट हैं, उनके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है, आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद बीएससी होम साइंस के जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एमटेक के जो स्टूडेंट है, पीएचडी कोर्स वर्क के जो स्टूडेंट हैं, टोटल 18 रिजल्ट जारी किए गए हैं 24 जुलाई 2024 को। डिस्टेंस स्टूडेंट के सिर्फ दो ही रिजल्ट आए हैं, बीए डिस्टेंस के पहले और दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, ऑफलाइन कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले रखा है या फिर ऑनलाइन कोर्स में अगर आपने एडमिशन ले रखा है। रिजल्ट चेक करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद आपको अपना रोल नंबर एंटर करना है, फिर आपको प्रोसीड नाउ पर क्लिक करना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करते ही आपका रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसके बिना आप कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपके रिजल्ट में आरएलए, एडब्ल्यू, पास, प्रोविजनल, रिटेन में से कुछ भी लिखा रहा, उसका क्या सोल्यूशन है, क्या मीनिंग है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है। तीनों ही टॉपिक पर डिटेल वीडियो है, जिसे आप बिना रजिस्ट्रेशन रोल नंबर के रिजल्ट निकाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पता कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या मीनिंग है, सभी के ऊपर डिटेल वीडियो। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और उन वीडियो को भी देख सकते हैं। आज सिर्फ बीए डिस्टेंस के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के रिजल्ट आए हैं, बाकी रिजल्ट रेगुलर स्टूडेंट के हैं। इसके अलावा डिस्टेंस स्टूडेंट के अन्य कोर्सेज के अन्य सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे, मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको बता दूंगा। रिजल्ट की कोई फिक्स डेट नहीं होती है, इसलिए आप वेट करें या फिर रिजल्ट ब्रांच जाकर पता करें अगर आपको जल्दी है तो। रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।